वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज नगर भुलर विखे गुरुद्वारा धर्मशाला छावनी दल बाबा बिधी चंद साहब जी विखे मीरी पीरी दे मालक स्वामी गुरुदेव पिता धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सचे पातशाह महाराज जी दे श्री अकाल तख्त साहब जी विखे मीरी पीरी दे शस्त्र धारण करन दा पावन गुरपुरब का दिहाड़ा है। समूह गुरु खालसे पंथ सिख संगतां नूं साहिब जी दे शस्त्र धारण मीरी पीरी दियां श्री साहिबां दे कमर कसे सजा के सतगुरु जी ने मीरी पीरी दे मालक साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपने गुरसिखां दे ताई शस्त्र धारण करन दी आग्या कीती, संदेश बख्शिया। सब संगतां नूं समूह गुरु खालसे पंथ नूं सतगुरु जी दे शस्त्र धारण पावन गुरपुरब दियां बेअंत बेअंत वधाइयां होण। महाराज ले पुछाणा होवे आप सरबत संगतां बड़े अद्भुत साहित परसों दे रोज तों लै के सतगुरु जी की अमृत बाणी धुरकी बाणी दे अखंड पाठ साहिबां जी दे प्रवाह चले गुरबाणी सरवण करके सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र गुरपुरब दे संबंध विच रागी ढाडी गुणी ग्ञानी गुरमुख प्यारे कुवीशर सिंघां पासों आप जी ने गुर इतिहास प्यार सहित सरवण कीता है, जो कि सतगुरु जी का शस्त्र धारण पावन गुरपुरब है। सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नू वचन कीता के दो श्री साहबां लियाओ। कई कह दिंदे आ एक इधर पाउणी सी मां बाबा बुढ़ा साहब जी ने इधर पा दित्ती, वह भुलेखा नहीं खा सकते, वो तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। उन्हां नू पता सी कि साहब जी की यह आग्या है और मीरी पीरी दियां श्री साहिबां बाबा बुढ़ा साहब जी ने सतगुरु जी दे आग्या अनुसार साहब जी दे कमर कसे सजाइयां और सतगुरु जी दे शस्त्र धारण करन दा और अपने गुरसिखां दे ताई शस्त्र धारण करन दा संदेश महाराज ने दिता। यह आग्या की थी कि जेड़ा भी गुरसिख वो अपने कमर कसे शस्त्र धारण करे और गुरु घर विच जेड़ा चंगा घोड़ा चंगा शस्त्र जवान पुत पाल के गुरु घर विच हाजिर करेगा उहदे ते गुरु नानक साहब जी दियां बेअंत खुशियां होणगियां। और साहब जी दे आग्या दा पालन करदियां समूह गुरु के प्यारे गुरसिख शस्त्र धारण करदे ने और उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी भी अपने कमर कसे श्री साहब रख दे रहे।
जो साहिब जी का हुक्म हुंदा है वो समूह गुरु के सिखां दे वास्ते वो एक अटल सतगुरु जी का फरमान हुंदा है, हुक्म हुंदा है। जिवें साहिब जी ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने खालसे पंथ की साजना करके खालसे जी की साजना करन समय अमृत छकाया ते पंज ककार दिते जिन्हां विच शस्त्र धारण करवा दिता कि ये श्री साहब ये कमर कसे ये ककारां विच कृपान दे दिती। सतगुरां ने बचन कहे शस्त्रहीन कबू ना होए रहतवंत सिंह है सोए। शस्त्र तो हीणा नहीं होना सिंह ने, शस्त्र कमर कसे धारण करवाए सतगुरु जी ने। सतगुरु महाराज साहब जी का जो हुक्म हुंदा है, जो महाराज का हुक्म जो बचन सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, वो हुक्म है महाराज का। जेड़े अमृत छाके गुरु की सिखी धारण करते ने वो गुरु साहिब जी के बचन के अनुसार, वो गुरु साहिब जी के बचन से चलन वाले, वो गुरु के बचन से पहरा देन वाले हो जाते। जेड़ा सुनदा ही नहीं, तू कहिंदे आ चंगेंदे आ मती देंदे आ नित जो शैतान मजाया सो कित फेरे चित। पर जिन्हां दे भाग हन उन्हां नूं समर्थ गुरु दे चरणां दी शरण प्राप्त हुंदी है। दसां पातशाहियां जी दी आत्मक स्वरूप जागदी जोत जुगो जुगे अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों की शरण जेडे प्राप्त करते हैं वह धनता के योग हैं। जिन्हों सतगुरों के चरणों की शरण प्राप्त हो गई धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरण सब दू वे भाग गुरसिखा के जो गुरचरणी सिख पढ़ते हैं उन्होंने सब तो उत्तम भाग हैं। और सतगुरु जी दे श्री अकाल तख्त साहब जी विखे शस्त्र धारण पावन गुरपुरब मनाउंदिआं और गुरु साहब जी का यह पावन संदेश उपदेश ये सारिआं दे ताई साहब जी का यह पावन उपदेश जड़ा है वो दृढ़ करवाया जाता है, सरवण करवाया जाता है श्री अकाल तख्त साहब जी तो। और ढाडी सिंह बैठे ने उस समय गुरु हजूरी विच नथमल अब्दुल खैर जी जिन्होंने गुरु हजूरी विच आण के बड़े अदब सहित गुरु जस विच जुण दिया कि दो तलवारी बधिया एक मीरी दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाहां कोट गढ़ दरवाजा बलख बखीर दी नाल सिपाही नील नाल मार दुष्टा करे तगीर दी पग तेरी की जहांगीर दी। क्योंकि सतगुरु सच्चा पातशाह है, दीन दुनी का मालिक है। सतगुरु सच्चा पातशाह जिस वेले साईं मियां मीर साहब किन्ना उन्हां दा प्यार सी गुरु चरणां नाल, उन्होंने साहिब जी नूं याद कीता
कि सतगुरु जी दर्शन बख्शन, कदों दर्शन होणगे। वो प्यार दी खिच सी गरीब नवाज महाराज साहब सच्चे पातशाह जी अंतरयामी हैं। सारयां दे कट हिरदे विच जो बोलता है वो सतगुरु जानते हैं। कट कट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछाण। सतगुरु जी फौजां समेत गए हैं। जदों साईं मियां मीर साहब जी नूं, क्योंकि उन्हां नूं भी अंतरात्मा महाराज ने सोझी बख्शी है, जान लिया कि गुरु साहब जी साडे इस प्यार विच सानू दर्शन देण वास्ते आ रहे हैं। सोहना आसन महाराज का सजाया, सारी तैयारी कीती। गरीब नवाज महाराज साहब सच्चे पातशाह जी जदों नेड़े गए, साईं मियां मीर साहब अगल वांडी होके महाराज साहब जी दे घोड़े दी वाग फड़ के आसन दे नेड़े लै जांदे ने घोड़ा। फिर महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दे चरण रकाब विच सन, रकाब हाथ विच नाल हाथ महाराज साहब सच्चे पातशाह जी नूं राकी तों उतारिया। फिर दस्त पोछी हाथ विच हाथ लैके बड़ा अदब सहित साईं मियां मीर साहब महाराज साहब जी नूं आसन ते लियाण के बिठा के पूजा करदे ने, प्यार करदे ने, अदब विच अरदास करदे ने। ते फिर जदों तोरन वास्ते जांदे ने, इसे तरह ही हाथ विच हाथ लैके दस पोछी वो प्यार विच महाराज दा, इसे तरह घोड़े दे कोल लियाण के रकाब फड़दे ने साई मियां मीर साहब। महाराज साहब जी चरण रखदे ने रकाब विच, सतगुरु जी घोड़े ते सवार हुंदे ने। फिर तोरन वास्ते जांदे ने, इन्ना अदब इन्ना सत्कार उस वेले सारियां ने हकूमत दे पास भी किया कि ए मुसलमानी फकीर इन्ने सिखां दे गुरु दा इन्ना अदब कीता है, इन्ने मुसलमानां दी तुहीन करवाई है। उस वेले जदों बादशाह ने भी आण के पुछया कि हे साईं जी, सारे तुहाडा अदब करदे ने ते तुसी सिखां दे गुरु दा इन्ना वड्डा माण कीता। उस वेले बेपरवाह हुंदे ने जिहड़े साधु, बेपरवाह सदा रंग हर कर जां को पाक स्वामी। उस वेले साईं मियां मीर साहब कहण लगे, ए दुनिया दे भुल्लड़ लोको, तुहानू की पता है कौन ने। असीं जदों दमकशी करके अल्लाह ताला दी बारगाह विच जाने हां, उत्थे इक खिड़की खुलदी है। वह खिड़की खुलदी है, उहदे विचों सानू इन्हां दा दर्शन हुंदा है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा। जो तुसीं साडे कोलों मंगदे हो असीं इन्हां कोलों तुहानू लै के दिंदे हां, तुसीं किहड़े खुदा दी गल करदे हो। खालसा जी जिस रूप विच सतगुरु जी इत्थे गुरता गद्दी ते दर्शन दिंदे ने, उस रूप विच ही सचखंड विच दर्शन दिंदे ने। ये समर्थ गुरु है, एडा वड्डा शक्तिशाली समर्थ गुरु मिलना कितें भागां दी निशानी है। गुरु को सिखो
गुरु की सिखी महान है। जिस गुरु साहब जी ने तेन ये कलमो धर्म चलायो, सब साधन को राह बतायो, जिन्हें सतगुरां ने यह सिखी धर्म चलाना किया। धन गुरु नानक साहब जी ने आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो, ये पंथ महाराज ने सिरजिया सजाया और दसवें जामे विच गुरु नानक साहब जी ने अमृत की दात बख्श के पंजां दे सीस लैके फिर उन्होंने त्यार प्रत्यार किया। अमृत की दात बख्शी, पंजां प्यारियां दा रुतबा माण बख्शिया, फिर आप पंजां पासों अमृत पान किया कि किसी नूं भुलेखा ना रह जावे कि अमृत छकना क्यों जरूरी है। इस वास्ते जो सतगुरु जी का हुक्म हुंदा है, जिहड़ा महाराज का हुक्म, जिहड़ा बचन गुरु साहब जी के हुक्म अगे जिहड़ा सीस नवा दिंदा है, जिहड़ा बचन मन लैंदा है, वो निहाल हो जांदा है। वो निहाल हो जाता है। अज सतगुरु जी का शस्त्र धारण दिवस है। जो अमृत छकीए तो शस्त्र धारण हो जाता है। गात्रिक अमृत कसे श्री साहब भगवती वड्डे शस्त्र भी नाल धारण करने वास्ते और बाणी तो बाणा है। श्री अकाल तख्त साहब जी ते अज भी शस्त्र प्रकाश होंदे हन। सतगुरु जी दे सारे तख्तां ते पंजां तख्तां ते सतगुरु जी दे शस्त्र प्रकाशवान हन, क्योंकि सतगुरां ने शस्त्र आप कमर कसे कीते ते अपने खालसे नूं महाराज ने छेवें जामे विच ही गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने सिख संगतां दे ताई शस्त्र धारण करवा दिते। जिथे गुरु के प्यारियां दे, जिथे गुरु साहब जी दे शस्त्रां दे दर्शन, उथे शहीदां सिंघां दे शस्त्रां दे दर्शन, गुरु के साहिबजादियां दे शस्त्रां दे दर्शन और ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां दे शस्त्रां दे दर्शन। श्री अकाल तख्त साहिब विखे बाबा बुढ़ा साहब जी दे कमर कसे दा शस्त्र दा भी दर्शन करवाया जांदा है कि पता चल जाए। इतिहास है कि बाबा बुढ़ा साहब जी भी कमर कसे शस्त्र रखते रहे। जो गुरु साहब जी का भजन हो जाता है वह सब वास्ते है। बाबा विधि चंद साहब जी दे कमर कसे दा शस्त्र दा भी दर्शन श्री अकाल तख्त साहिब ते करवाया जांदा है। एक मर्यादा है और ये जुगां जुगांतरां विच मर्यादा जो साहिब जी ने ये बख्शिश की है खालसा पंथ साज के, ये अटल है। क्योंकि गुरु साहिब जी दी वो शक्ति, वो अमृत, आप गुरु परमेश्वर हैं, ये गुरु का खालसा पंथ भी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने वो साजिया है कि जड़ा सदा सदा लई अटल है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट हो खालसा परमात्म की मौज, प्रगट होया है ना खालसा। इस करके जड़ा प्रगट हुंदा है वो सदा ही प्रगट है। सतगुरु महाराज कृपा करन खालसे पंथ नूं जो सतगुरां ने रौह रीति मर्यादा बख्शी है, बाणी बाणा बख्शिया है, उस मर्यादा विच त्यार प्रत्यार रहण दा सतगुरु जी बल बख्शण और खालसे पंथ विच सतगुरु जी एकता प्यार इतफाक बख्शण, खालसे पंथ दी चढ़दी कला सतगुरु बख्शण।
ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਭੁਲਰਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਾਣ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਛ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਓ। ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਮ ਪਿਆਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਉਜਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ। ਆਏ ਹਨ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਤਵੰਤੇ ਜਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
हाजरी प्रवान करनी, भुलां चुकां की खिमा बख्शनी, और जिन्हें अमृत नहीं छकिया अमृत छको, जिन्हें केस दाड़े नहीं रखे वो केस दाड़े रखो, नशियां तो बचो, सतगुरु कृपा करन। आओ बड़े अदब सहित सारिया संगतां अरदास में जुड़ गए। आप जी ने अगे सैकटरी साहब जी ने बेनती कर दी है कि जगह गिली होण करके महला जड़ा है महले वास्ते जगह नहीं है, मीह की भी जरूरत सी क्योंकि गर्मी बहुत है, नाल खेतीबाड़ी ले मीह पाया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया, ये भी महाराज ने अपार कृपा की है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने कृपा की है। कबड्डी दी टीम आई हैं ते नाल पहलवान जी सरवण सिंह हुणी वो सारे कुश्तियां करवाउण दी सेवा करदे ने, ते कबड्डी वाले भी प्लेयर आए ने, कबड्डी का भी मैच होवेगा, मलखाड़ा है। आप सारिया संगतां दर्शन दारे करो और गुरु के लंगर जल पानी वरत रहे हैं, जल पानी छको, सरबत संगतां नूं फिर दुबारे जी आया नूं संप्रदाय दल बाबा विधि चंद साहब जी वालों हाजरी प्रवान करनी, भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडे अगे